हे गाइस, वेलकम बैक टू माय क्रिएशन यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं गाइस वुल्फ का फैंटेसी मैनिपुलेशन। और उसके लिए हमने पहले बैकग्राउंड बनाने के लिए एक इमेज ली थी, और उस इमेज के ऊपर हम एक और मतलब हिल की इमेज लेंगे और हमारा बैकग्राउंड ड्रॉ करेंगे। और क्विक सिलेक्शन की मदद से फटाफट से इस इमेज को हम कट कर लेते हैं और हमारे ओरिजिनल बैकग्राउंड में जो है वो अटैच कर लेते हैं। सो हमारे माउंटेंस के इमेज को बैकग्राउंड में सेट करने के बाद बारी आती है उसके एक्स्ट्रा एजेस को स्मूदली तरीके से इरेज करने की। सो इरेजर की मदद से फटाफट से ये काम भी हम कर लेते हैं। सो गाइज, ये स्टेप काफ़ी ध्यान से कीजिए क्योंकि ये स्टेप इम्पॉर्टेंट होती है फोटो मैनिपुलेशन में, क्योंकि आप इरेज इसके एजेस को नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इमेज एक के ऊपर एक इमेज चिपका ली है और वो देखने में भी वाहियात लगेगा। सो दिस स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक फोटो मैनिपुलेशन गाइज। सो फटाफट से ये स्टेप हम पूरा कर देते हैं। सो ये स्टेप पूरा करने के बाद गाइज बारी आती है हमारे इमेज को एडजस्ट करने की, और इसके लिए हम थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करेंगे ताकि इमेज एक बेहतरीन दिखे। सो कलर ग्रेडिंग हो चुकी है गाइज हमारी, और अब बारी आती है प्लैनेट की इमेज को ऐड करने की। सो इसके लिए हमने एक और प्लैनेट की इमेज ली थी जो pixel.com वेबसाइट से हमने फ्री डाउनलोड की थी, और उसे भी हम हमारे बैकग्राउंड में ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद गाइज थोड़ी सी हम उसकी ब्लेंडिंग सेटिंग करेंगे, और जो हमें मतलब जो पार्ट नहीं चाहिए था उसे हम इरेजर की मदद से इरेज कर देंगे। बूम, माय बैकग्राउंड लुक्स गुड गाइज। और इसे भी हमें थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करने की ज़रूरत है। सो फटाफट से कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं, और ये हमारे बैकग्राउंड के साथ मैच खा रहा है। उसे लेवल्स में जाके भी ब्लेंडिंग सेटिंग्स को भी करेंगे। और उसके बाद हमने एक माउंटेन की मतलब हिल की इमेज ली है। इस इमेज में हमें सिर्फ हिल चाहिए था, सो क्विक सिलेक्शन की मदद से हम इस हिल को भी कट कर देंगे और हमारे बैकग्राउंड में प्लेस करेंगे। सो गाइज, लगभग हमारा बैकग्राउंड का मतलब जो ओरिजिनल इमेज का काम है वो हो चुका है। सो इसके भी कलर्स को हम थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करने वाले हैं, और इसके लिए मैंने एक मैन्युअली हमारा ब्रश बना लिया था ग्रास का। सो उस ग्रास के ब्रश की मदद से हमने इस इमेज को थोड़ा टेक्सचर दिए, और कलर ग्रेडिंग भी इसकी बढ़िया तरीके से हमने की है। सो गाइज, बारी आती है अब इसे थोड़ा सा डार्क और शेडो देने की। सो इसके लिए हमने हमारे ब्रश टूल की मदद से ही थोड़ी ब्रश की सेटिंग करके हमने इसे भी हमारे ओरिजिनल इमेज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है गाइज। शेडोज़ बनाने के बाद गाइज बारी आती है इमेज में हमारे थोड़ा और ग्रास ऐड करने की। सो इसके लिए भी हम हमारा मैन्युअली ग्रास का ब्रश लेंगे और उसे ड्रॉ करेंगे, और ये ब्रशेस बनाना भी काफ़ी आसान होता है गाइज फोटोशॉप में। आप अपना मैन्युअली ब्रश बना सकते हैं गाइज। सो ब्लैक कलर के साथ हम थोड़ा सा इमेज को डार्क करेंगे। सो अब गाइज बारी आती है इमेज को हमारे वुल्फ को ऐड करने की। सो इसे भी हमने क्विक सिलेक्शन की मदद से कट कर लिया है और ओरिजिनल बैकग्राउंड में इसे ऐड कर दिया है। सो इसे इमेज के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा उसे एडजस्ट करेंगे, और उसके एजेस को भी हम इरेजर की मदद से गाइज कट करेंगे ताकि ये ऐसा ना दिखे कि इमेज चिपका ली है हमने। ये प्रोसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है गाइज, क्योंकि इमेज मैनिपुलेशन में यही प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट है कि आप एजेस को इमेज के थोड़ा स्मूथ करें। और उसके लिए मैं ब्रश का ही इस्तेमाल करता हूँ, इरेज करता हूँ। और हेयर्स बनाने के लिए मैंने हेयर्स का भी एक ब्रश बनाया है गाइज। सो उसकी मदद से हम जो जहाँ पे हेयर्स बनाने थे वहाँ हेयर्स बनाएंगे ताकि ये ऐसा ना लगे कि पूरी तरह से स्मूथ हो चुका है, क्योंकि एनिमल्स के हेयर्स जो है होते हैं आपको पता है कैसे होते हैं। सो इसके लिए मैंने वो भी ब्रश बना के रखा है। सो फोटोशॉप में मैन्युअली ब्रश बनाना भी सीखे आसानी से। सो गाइज, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम इस इमेज को भी हमारे बेयर को थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करेंगे, वुल्फ के इमेज को थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करेंगे और लेवल में जाके उसकी ब्राइटनेस कम कर देंगे गाइज। और
फिर इसे हम मास्क लगाएंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे ताकि जो मतलब मून की शेडो है वो हमारे वुल्प पे पड़े ऐसा हमें दिखाना है। सो इसके लिए हम मैन्युअली ब्रश से ड्रॉ करेंगे। और वुल्प को एडजस्ट करने के बाद गाइज हमने एक और गर्ल की इमेज ली है और उसे भी हमने क्विक सिलेक्शन की मदद से सिलेक्ट करके मास्किंग कर दी है और उसके एजेस को भी हमने इरेज करने की कोशिश करेंगे। अब सो फटाफट गाइज ये भी प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। सो गाइज हमें इस इमेज को भी थोड़ा कलर एडजस्टमेंट करनी होगी क्योंकि ये इमेज काफ़ी इमेज बाकी इमेजेस से काफ़ी ब्राइट है। सो इसकी भी कलर एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं फटाफट से और उसके ऊपर शेडो ड्रॉ करेंगे हम ब्रश की मदद से ही हम ये प्रोसेस करेंगे गाइज। सो उसको उसके लिए पहले हम इमेज को डार्क करेंगे और उसके बाद हम हमारे ब्रश से मैन्युअली ड्रॉ करेंगे ताकि जो लाइट इफेक्ट है वो हमारी गर्ल मतलब कैरेक्टर पे आ जाए। सो अब ये दिखने में काफ़ी कूल भी लग रहा है गाइस जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे। सो ये स्टेप्स ध्यान से फॉलो कीजिए। सो वही हम कपड़े पे भी ऐसा ड्रॉ करेंगे, हेयर्स पे भी थोड़ा ड्रॉ करने के बाद ये कैरेक्टर काफ़ी कूल भी दिख रहा है गाइस। और ड्रॉ करते वक्त ध्यान ये रखना है गाइज कि काफ़ी ड्रॉ मत कीजिए क्योंकि हमारी ओरिजिनल इमेज के साथ ये मैच भी करना चाहिए। सो इसके लिए हम फिर से कलर ग्रेडिंग करेंगे और अब इमेज जो है हमारी देखने में एकदम बढ़िया लग रही है। सो इमेज को तैयार करने के बाद बारी आती है उसमें थोड़ा मैजिक ऐड करने की और इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर का जो हमारी सीधी सारी इमेजेस को भी एकदम बढ़िया तरीके से बना देता है। सो गाइज इस कैमरा रॉ फिल्टर के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करेंगे और हमारी इमेज को एक बेहतरीन लुक देंगे। सो गाइज 2 घंटे की मेहनत और बढ़िया रिजल्ट के बाद हमारा जो फाइनल रिजल्ट और आउटपुट निकल के आता है कुछ ऐसा। सो गाइज ये इमेज मैनिपुलेशन अगर आपको पसंद आया हो और वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।